नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ राजमोहन तिवारी। केंद्र के मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार की बातें सामने आ रही हैं। मालूम ये चला है कि अगले 1 से 2 सप्ताह के अंदर मोदी मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे आपको देखने को मिल सकते हैं। इस बार एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं को भी शायद मंत्री पद दिया जा सकता है और इसी को लेकर बिहार में भी शुभगुगाहट अब काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। एनडीए की प्रमुख सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड ने अब इस संबंध में एक बड़ा बयान जारी कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा है कि अगर मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार होता है, नए चेहरों को शामिल किया जाता है, तो जेडीयू भी इसमें शामिल होना चाहेगी, क्योंकि एनडीए की एक प्रमुख सहयोगी दल है और इसलिए उसे भी एक सम्मानजनक मंत्री पद दिए जाने चाहिए। और इसी संबंध में अब ये खबर आ रही है कि जेडीयू ने अपने 3 नाम फाइनल कर लिए हैं जिन्हें वो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल कराना चाहती है। अगर बात करें इन 3 नामों की तो ये तीनों ही बड़े नाम हैं। एक नाम इसमें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का है जो कि राज्यसभा सांसद हैं। दूसरा नाम मोकाबा से लोकसभा सांसद ललन सिंह का है और तीसरा नाम थोड़ा आपको चौंका सकता है, वो पूर्णिया से लोकसभा सांसद संतोष कुशवाहा का बताया जा रहा है। अगर आप इन नामों पर गौर करें तो आप समझ जाएंगे कि नीतीश कुमार ने जिन 3 नामों को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल कराने के लिए तय किया है, उन नामों के सहारे, उन नेताओं के सहारे नीतीश कुमार बिहार में सामाजिक समीकरण साधने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ वो लौकुश समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं आरसीपी सिंह और संतोष कुशवाहा को मंत्रिमंडल में भेजकर, वहीं ललन सिंह के द्वारा वो भूमियारों को भी अपने पाले में लाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। अगर ये 3 नाम फाइनल हो जाते हैं, अगर आरसीपी सिंह जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मंत्री केंद्र में बन जाते हैं, उसके बाद जो जेडीयू का राष्ट्रीय संगठन है उसमें काफ़ी कुछ बदलाव आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि मंत्री पद हासिल करने के बाद बताया ये जा रहा है कि आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा दे सकते हैं और उसके बाद जिन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात सामने आ रही है, जिसके संबंध में पिछले कई दिनों से लगातार ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की जगह अब जेडीयू की कमान, हाल ही में रालोसपा का विलय होकर रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के हो गए हैं, उन्हें जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है और वो अब नीतीश कुमार के बाद जेडीयू में नंबर 2 के नेता माने जा सकते हैं। तो जो कयास लगाए जा रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के बाद जेडीयू में नंबर 2 के नेता होंगे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, वो सारी अटकलें और कयास सही साबित हो सकते हैं अगर आरसीपी सिंह केंद्र में चले जाते हैं। अब देखना ये होगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो विस्तार होने जा रहा है, क्या जेडीयू के जो 3 नाम हमारे सामने आ रहे हैं, क्या उन तीनों को जगह मिलती है, क्या आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाते हैं तो क्या जाने के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय संगठन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और क्या उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू की कमान अब संभालने के लिए तैयार हो गए हैं, क्या नीतीश कुमार ने अब उन्हें अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का फैसला कर लिया है। अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति के साथ ही, माफ़ करिएगा, जेडीयू की जो अंदर की राजनीति है उसमें एक बड़े बदलाव के साथ ही बिहार की राजनीति में भी एक बड़ा नया राजनीतिक मोड़ आपको दिखाई दे सकता है। अब देखना है कि जो बातें सामने आ रही हैं वो क्या सच में सही साबित होती भी हैं या नहीं। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।